कैसा लग रहा? नाउ नाउ क्या कैसे किया वहां किया? तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मेरे YouTube पेमेंट की। तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला गौ प्रणाम और मेरे छोटों को बहुत सारा प्यार और मेरा आशीर्वाद। अक्सर मैं सबको पहला गौ प्रणाम बोलती हूँ लेकिन अपने छोटों को तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बड़ी बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी हो रहा है 7:45 का टाइम, तो मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि 7:45 से स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है, यानी कि नहाना धोना पूजा ये हो गया है, और मैंने नाश्ता बना के अपने हस्बैंड को नाश्ता करा, उनको ड्यूटी भी भेज दिया है। और आज मेरी बेटी 3-4 बार उठ गई है सुबह से, तो फिर से सो गई है। अभी मैंने जैसे कल वाले ब्लॉग में बताया था, मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि अब जल्दी उठना और घर के काम काम तो चलो हम दिन भर भी निपटा सकते हैं, लेकिन हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है तो उस वजह से उठ के सुबह उनको नाश्ता कराना होता है। अगर मैं कभी गलती से सोई रहेगी ना, वो बोलते भी नहीं, फिर ज़्यादा टाइम बोलते हैं कि बाय मैं जा रहा हूँ, तो फिर दिन भर ना खुद को बहुत अजीब लगता है कि यार हमने चाय भी नहीं पिला के भेजा उनको, है ना। तो अभी मेरी पूजा अगर हो गई है और डी सोई है, अब मैं करूँगी पहले अपना किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, यानी कि साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जाके अपना झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं उठ के नहा के पूजा वूजा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए फिर ईजी रह जाता है। फिर दूसरी बात ये होती है, जब तक हस्बैंड घर पर होता है ना, तब तक मैं नहा लेना सही लगता है, क्योंकि फिर मुझे डी बिल्कुल भी अकेले बाथरूम में नहीं जानती थी, मेरे साथ साथ ही चलती है। अब उसको आदत होगी है बचपन, मतलब जब से थोड़ी चलने में मेरे साथ बाथरूम में आने की, मैं साथ ही नहलाती थी उसको, और वो फिर नहाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा और अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, कल ही अगरबत्ती लेके आई, लेकिन अगरबत्ती इतनी अच्छी है ना, इतनी खुशबू दे रही है, क्या बताऊँ। तो चलो बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ मैं आपको। आज ना बहुत कोहरा सा लग रखा है, धूप तो आ गई है, देखो पूरा धुंधला धुंधला, इतना धुआं तो और दिन भी नहीं रहता है, देखो पूरा धुआं धुआं सा हो रखा है। यहाँ पे भी हो गई है तुलसी की पूजा। तो आप बोल रहे थे ना कि जो तुलसी की पूजा करता है वो नॉनवेज नहीं खाता है, मतलब मैं यहाँ व्रत नहीं करती हूँ, नॉर्मली जैसे सुबह पानी चढ़ाना, सुबह शाम इसमें दिया जलाना। तो गाइज ये देखो कितना कोहरा लग रखा है, पता नहीं इतना अजीब सा मौसम क्यों रखा है, धूप भी आ रखी है लेकिन फिर भी इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है ना। सुबह सारे काम निपट जाए तो अच्छा लगता है, अगर पूरे दिन भर काम लगे ही रहे तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने डी के लिए भिगा सबके लिए बादाम भिगाए थे, तो बाकी उनको भी दे देते, मैंने भी खा लेते। यहाँ पे बचे हैं डी के बादाम और अभी उठेगी उसको बादाम भी खिलाऊंगी और उसको दूध उगड़ पिलाऊंगी। यार सुबह इतना काम होता है ना कि मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती है, लेकिन ये काम हो जाए ना बड़ा रिलैक्स सा मिलता है। और देखो मैं कितनी बड़ी पहलवान हूँ, पता है आज मैंने क्या किया? जो इस रूम में मैंने ब्लॉक्स लगाए थे ना नीचे, इसको ऊंचा करने के लिए, इसके नीचे सामान डालने के लिए, आज मैंने इस रूम से अभी थोड़ी देर पहले हटा दिए हैं सारे ब्लॉक्स, यानी कि कितने थे, 1 2 हाँ यानी कि 6 थे, एक दोनों बेड के नीचे। अब यहाँ सो रहे हैं ना तो डी ऊपर पर चढ़ नहीं पा रही है, तो इस रूम से मैंने निकाल के इस रूम में लगा दी हैं और इस रूम के नीचे डाल दिए, बेड के नीचे डाल दिया है सामान। ये देखो अभी मैंने वाला गद्दा जो है ना वो बाहर डाल रखा है, क्योंकि इसमें ना सुसु कर दी थी, तो अगर फिर बच्चे सुसु कर देते ना, फिर बड़े भी हो गए तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है ना, तो मैंने इसको डाल दिया बाहर। और ये इतना भारी था ना, बाय गॉड, पहले तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि इन जो ब्लॉग्स है ना इनको उनके आने के बाद ही मतलब शाम को रखूँगी, फिर मैंने सोचा यार बंदा थका हुआ आते हैं तो फिर क्यों ना मैं खुद ही कर लूँ। तो वैसे भी इसीलिए तो मैं पहाड़न हूँ, है ना, तो मैंने ये सारे मतलब
लगा दिए और खूब सारा सामान जो भी सूट के सगरे पेटी वगैरह थी डाल दी उसके नीचे। और ये देखो मैडम के खेल, हेलो गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग, हेलो धृति, धृति नेक्स्ट लेवल। आहा ये ना मासा की कॉपी करती है। आहा तो दोस्तों अभी जाने हैं मुझे नीचे कैंटीन में, पर्स मेरे हस्बैंड बैग भूल के आ गए, हमारा बैग खो गया है तो मुझे वही ढूंढने जाना है। और उसमें है मेन उनके बहुत सारे पेपर, यार पता नहीं इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। मुझे बोला मैं लेके आ जाऊंगा, मैं बोला ठीक है लेके आ जाएंगे, फिर भूल गए, फिर रात को याद आया तो देखा तो अभी था नहीं। अभी कल भी मंडे था तो कैंटीन बंद थी, अभी जाती हूँ और पता करके आती हूँ बैग है कि नहीं। बैग तो जाए जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। कैसा लग रहा? हाँ बेटा तो अभी ना मैं इसको पार्क लेके आई और उसकी खुशी देखो, आज पूरे नेक्स्ट लेवल की खुशी हो रखी है, बहुत दिनों बाद पार्क में आ रखी है ना। तो अभी पार्क भी खाली था तो मुझे बैग ढूंढने भी जाना था, तो सोचा कि चलो थोड़ा इसको भी पार्क ले जा लेती हूँ, बच्ची खुश हो जाएगी है ना। तो देखो मजे आ गए उसके तो अभी। हाँ उसमें आ जाओ, उधर आओ इस साइड। हाँ हाँ स्लोली स्लोली। तो गाइस यार पार्क से भी आ गई, लेकिन अभी कैंटीन बंद थी, आज खुलती है दोपहर में, खाली जाना हुआ मेरा। और पानी बैग अब शाम को मेरे को 3 बजे के टाइम पे जाना पड़ेगा, 1 या 2 बजे कैंटीन खुलेगी या 2 बजे खुलेगी लंच के बाद, तो उसके बाद जाऊँगी उसके बाद पता करूँगी। अब मैं थक गई हूँ तो मैं तो लेट गई, डी लगी अपने कलर करने में। थोड़ा सा बच्चों को ना ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़े से भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं। उसको 10 मिनट के लिए पार्क ले गई, उसमें सारे जितने भी स्लाइड थे झूले थे जो भी थे सब एक एक बार मतलब एक एक राउंड सब कंप्लीट करके मैंने उसको बोला चलो हम चलते हैं। दुकानें बंद थी, केले भी नहीं ले पाई। बस अब मैं डी को नहलाती हूँ पहले, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ अपने टॉपिक के बारे में आज। तो गाइस ये देखो नहा के बिल्कुल लुंगी पहन के रेडी हो गई है। नाओ नाओ क्या कैसे किया वहाँ किया? इसको अभी भी अपना बचपन का टब इतना पसंद है, ये उसी में नहाना पसंद करती है। और ये तो गाइस अभी ना हम लोगों का आ गया है अमेजन का बहुत सारा सामान, जो कि हमने कल ऑर्डर किया था। और अपना ग्रॉसरी वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या अमेजन की एक बहुत अच्छी वो है डिलीवरी, मतलब नेक्स्ट डे सबको आ रहा, आप इसमें से कुछ भी मंगा सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मंगा रखा है हमने, ठीक है। तो ये देखो कितने सारे बैग भरे हैं यहाँ पे, तो 3 पूरे फुल बैग हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या मंगा रखा है हमने करके। तो ये देखो एक बड़ा सा पैकेट बिस्कुट का मंगा रखा है बेटू, दो ना। ये ज़्यादातर डी के लिए, इतना सारा सामान ना सारा इसी के लिए मंगा रखा है। ये रस हो गए, एक बार सारा एक बार खोल के। तो ये ना इसमें है अभी ये बिस्किट है, ये इसके लिए केक है, ये मैरी गोल्ड है, ये भी बिस्किट है, और ये है इडली राइस है, इडली बनाऊंगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रस है, ये ग्लूकोंडी है, ये कॉफ़ी है, ये ओट्स है, और ये क्या है सूजी है। अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है। और ये है मसाला ओट्स, इसके बाद है ये गुड्डे बिस्किट ताकि हम लोग को ना बाजार बाहर न जाना पड़े। उसके बाद ये है दलिया, और उसके बाद फिर से एक और बिस्किट, इतने सारे बिस्किट मंगते मंगाए होंगे उन्होंने। उसके बाद ये है पीनट्स भाई साहब, उसके बाद ये है काले चने, ये है मायोन जो भी कहते हैं इसको। उसके बाद सब्जी भी मंगाई हुई है, यानी कि ये आलू भाई। और सबसे अच्छी बात है ना देखो कितनी मस्त गोभी आ रखी, ये गोभी है, और ये है मतलब सब्जी भी मंगा रखी है, प्याज हो गया, हाँ प्याज है। उसके बाद इसमें है मूली और मूली के पत्ते, भगवान ये मूली और मूली के पत्ते, डी को ना मूली के पत्ते से नहीं बेटा फूट जाएगा। तो ना हमने सब्जी में भी काफ़ी कुछ मंगा रखा है, टमाटर हो गए, करेला है, और ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च है, और ये है हमारा बीन, और ये है भिंडी जो कि डी और मुझे पसंद, इसके डेडा को तो पसंद नहीं है। बाकी मूली हो गई, और ये हो गया हमारा प्याज टमाटर और गोभी। तो इतनी इतना सारा पूरा ऐसा लग रहा है ना हम लोगों ने दुकान खोल दिया हुआ है यहाँ पे देखो। और इसके आगे मजे, और इसके लिए यहाँ पे एक पैकेट मंगा रखा है जेम्स, यहाँ पे इसमें रख दिया है पूरा।
तो अभी मैंने जितना भी हमारा अमेजोन का सामान आया था सारा सेटल कर दिया है, मतलब रख दिया है सब, कुछ फ्रिज में है कुछ बकेट में। तो ये होता है ना सामान रखने से बार बार बच्चों को ना दुकान में, जैसे बच्चे होते हैं ना देखते ही फिर बोलते हैं चलो ले लो, तो मैं डी को हमेशा बोलती हूँ घर पे है ना ये है वो है, तो हमेशा मेरे साथ आ जाती है। तो चलो इस बात को तो रखते हैं साइड में। तो अभी मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, आजकल मेरे जो ब्लॉग हैं वो 12 से 12:30 बजे के बीच में आ जाते हैं, तो आप मतलब वेट करो 12 बजे का है, तो हमेशा मैं मतलब 12 से 12:15 के बीच में डाल ही देती हूँ, तो मेरे वीडियो अपलोड हो जाते हैं उस टाइम पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मेरे YouTube पेमेंट की। तो जी हाँ, अभी मेरी YouTube की पेमेंट आ चुकी है। अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि इतनी लेट क्यों आई, तो गाइज YouTube की पेमेंट तो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, बट ये था कि वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रखी थी, उसका भी एक रीज़न है। मतलब हम लोग तब तक हमें पेमेंट नहीं मिलती है जब तक हम अपना पूरा जो अकाउंट होता है एक उसको फिल नहीं कर लेते, यानी कि एडसन अकाउंट जो होता है। तो मेरे साथ एक दिक्कत होती थी, मुझे स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा था, तो जैसे कि जिस बैंक का हमारा अकाउंट है उसी बैंक का हमें स्विफ्ट कोड लगाना होता है। तो मुझे मतलब फिर बैंक वाले ने बता रखा कि उत्तराखंड में ना सब 4-5 बैंक हैं जहाँ पे हमें स्विफ्ट कोड मिलता है। तो मैंने लिया, हल्द्वानी में मेरा अकाउंट है तो मैंने हल्द्वानी से लिया। अभी जस्ट मैं जब घर गई थी, जब मेरे हस्बैंड आ गए थे उसके बाद जाके हम लोग बैंक गए, फिर हमने वहाँ से स्विफ्ट कोड लिया। लेकिन वो लोग भी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों चाहिए, और अगर हम बोलते हैं यूट्यूब के लिए तो किस टाइप की वीडियोस बनाते हो, किस नाम से आपका चैनल है, तो यही सब चीज़ हमसे पूछा था। उसके बाद जाके उन लोगों ने हमें स्विफ्ट कोड दिया था, और जैसे ही हमने अपने एक्शन में अपना स्विफ्ट कोड और अपना पूरे अकाउंट डिटेल डाली, तो उसके बाद मेरे अकाउंट में जो भी मेरे पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो गए थे। तो मतलब एक हिसाब से तो मुझे मतलब मेरे अकाउंट में पहली बार ही आ रखे हैं मेरे जो अपने खुद के अकाउंट पर, अदरवाइज़ वो जैसे हमारा जो डॉलर होता तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया था मेरा, बट ये था कि उसको आने में थोड़ा मेरे पास पहुंचने में टाइम लग गया था। तो ये सब जो हुआ है ये आप ही कैसे। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, इसके लिए ना मैं अपने मायके वालों को थैंक यू कहना चाहूँगी, अपने ससुराल वालों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, अपनी ऑडियंस मतलब अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली को, और स्पेशली अपने हस्बैंड को जिन्होंने मेरा हर कदम कदम पर साथ दिया है और मतलब हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। मैं तो इसीलिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने हस्बैंड को। तो गाइज़ बहुत खुशी की बात है, अभी हमारी YouTube की पेमेंट आ चुकी है, और आप लोगों का साथ रहेगा तो हमेशा ऐसी आती रहेगी। तो मतलब पेमेंट आ गई थी जब मैं हल्द्वानी थी तभी, लेकिन मेरे को मैंने सोचा कोई स्पेशल डे होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे आज लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना, और हाँ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे आज के ब्लॉग में कमेंट करके मतलब कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है मेरे लिए कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग ना मैं उसी पे बनाऊंगी, आपके क्वेश्चन आंसर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं, हर ब्लॉग हर वीडियो का एक एक करके आंसर नहीं दे सकती। तो आज आप लोग सब लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाते हैं। तो अभी मैंने खाना बना लिया था, मेरी बेटी सो गई है, यही होता है पार्क पार्क लगाने का, बच्चे थक जाते हैं फिर सो भी जाते हैं, तब वो उठेगी हम दोनों तभी खाएंगे। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो।